नमस्ते से नमस्ते शुभ प्रभात। आज से शुभ प्रभात क्यों, गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड मॉर्निंग इज अ वेदर रिपोर्ट। अंग्रेजों ने सिखाया क्या करे, पूरे साल भर बारिश होती रहती है इंग्लैंड में, तो जैसे सूरज दिखाई देता है वो कहते गुड मॉर्निंग। लेकिन हमारे भारत की सिस्टम थोड़ी अलग चलती है, और ऐसे हो सकता है कि जैसे मैं मेरा आपके साथ इंटरेक्शन शुरू करूं, ऐसे हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स के हाथों में वेरी अर्जेंट टेक्स्टिंग मैसेजेस, और दोस्तों ने ज़बरदस्ती बुलाया करके आके बैठी हूँ या बैठा हूँ, रात में मोबाइल है और आप SMS भेजते रहो कि इतना लेक्चर ख़त्म करके मैं आती हूँ या आता हूँ अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को। कॉलेजेस में जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, दे आर द मेजर पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर। पैसा खर्च होने का सबसे बड़ी जगह वही है। और डोंट वरी, विल हैव अ स्माइलिंग फेस थ्रू आउट। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। और दूसरी बात, ऐसे आजकल वो एक बहुत बार वो शब्द सुना है मैंने, अरे यार चलना, तू देना बिल, तू रिच किड है यार। ये जो रिच किड है ना, उनको सिखाना पड़ेगा कि रिच शब्द अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे और किड हम हैं, और फिर अपने माँ और पिताजी ने क्या मेहनत की है रिच होने के लिए, वो भी समझना आवश्यक बात है। अच्छा लिखा है इधर, अर्थशास्त्र अनप्लग्ड। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बात करूंगा। अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, वैसे हर एक के नसीब में वो, इवन इफ यू थिंक दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, देयर इज नो वे आउट, इनएविटेबल है, आपको करना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। अभी पढ़ रहे हो, शायद ये भी हो सकता है कि कहीं स्टूडेंट्स ऐसे होंगे पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे तभी भी चलेगा, ऐसा एक माहौल घर में भी हो सकता है, वो अच्छा है अगर ऐसे हो रहा है तो। लेकिन जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, एज अ स्टूडेंट मुझे ऐसे लगता है कि आप करते होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी बात ध्यान में रखो कि हम जब पैसा खर्चा करते हैं तो किस बात पे करते हैं। जैसे मैंने माँ को फ़ोन किया, माँ 3 घंटे हुए जीपे करना, ऐसे करके चला था ना, डैड को बोलो जीपे करने के लिए पैसा चाहिए, तो माँ बोलते मैं भेजती हूँ, लेकिन अच्छा खाना, कुछ उल्टा सीधा मत खाओ पेट खराब हो जाएगा करके, ऐसे सब हर एक माँ अपने अपने सलाह देती रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कहकर जैसे जीपे पे आ जाएंगे, ये चल कितना सुट्टा लाना है। नहीं ऐसे होता है, देखो आप लोग कहते हो ऐसे, मेरा कहना नहीं, लेकिन ऐसे होता है कि जो पैसा आ रहा है उस पैसे से हम क्या कर रहे हैं वो भी निर्भर करता है। सो वैल्यू ऑफ द मनी, ऊपर वाला देख रहा है ना आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, इसलिए मैं एक्सपेंडिचर से शुरुआत कर रहा हूँ, बिफोर यू मैनेज योर मनी विच इज़ नॉट योर मनी राइट नाउ। वो आ रहा है आपके पास, तो उस वो जो खर्चा कर रहे हो वो कहाँ करना है उस पर निर्भर करेगा। ज़्यादा नहीं, एक ही घंटा है नहीं। See, I was a magician for 3 years by profession, and I can read your faces. I'm an astrologer. मैं फेस रीडर हूँ, चेहरा देख के बोल सकता हूँ गड़बड़ क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैरेक्टर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन शॉर्ट टेम्पर है, कौन फाइनेंशियल मैनिपुलेटर है, हर एक उसको फिजियोग्नोमी बोलते हैं, एंड आई एम एक्सपर्ट इन दैट। सो चिंता मत करो, और मैं ऐसा भी बड़ा लेक्चरर नहीं हूँ कि आपने अगर मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं
नाराज़ हो जाऊँगा, गुस्सा करूँगा, ऐसे नहीं होता है। आपकी उम्र है, ध्यान देने की भी है और ध्यान ना देने की भी है। इट डिपेंड्स वेदर आई टच योर हार्ट और नॉट, दैट्स द ओनली क्वेश्चन। वो रिलेशनशिप अगर तैयार करता हूँ एज ए ओरेटर, देन एंड देन ओनली यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड वाई आई एम हियर एंड वाई दिस इन्फ्लुएंसर क्लब इज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज बाद में मालूम नहीं होता है कि पैसा कहाँ चला गया करके। तो बेसिक मेरा एडवाइस सबको है कि जो भी खर्चा कर रहे हो वो लिखो, भले सुट्टा पे क्या होगा, लेकिन वो कुछ उसको कोड लैंग्वेज दे दो उसको, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन इट इज़ टू बी नोटेड, इट इज़ टू बी रजिस्टर्ड कि यहाँ खर्चा हुआ करके, क्या कोल्ड कॉफ़ी कितनी पी, वो भी जो भी है खर्चे के जो जो कारण है, वो मेस का पैसा कहाँ गया। फंड फ्लो एनालिसिस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फंड फ्लो एनालिसिस दो जगह होता है, एक पैसा कहाँ से आ रहा है और दूसरा कहाँ जा रहा है। और ये जो ट्रांजिट कैप है पैसे का, वो हम हैं। जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और उसका ओनर मैं हूँ क्या, वो पैसा मैंने निर्माण किया है क्या, ये पहली बात। अगर वो मैंने निर्माण नहीं किया है तो आई बिकम अ ट्रस्टी ऑफ दैट मनी। सो देर आर टू वर्ड्स वी हैव, एंट्रस्टमेंट एंड डेप्यूटेशन। माँ और पिताजी हम पॉकेट मनी जब देते हैं तो उसको एंट्रस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें ट्रस्ट है कि मेरा बेटा मेरी बेटी सही जगह पे पैसा खर्च करेगी। लेकिन उसमें मज़ा नहीं है, बिना वजह क्रिमिनल होने में मतलब नहीं। अपने घर में क्यों क्रिमिनल बनना है, बाहर भी क्रिमिनल नहीं बनना, लेकिन घर में ही जो भरोसा माँ बाप ने रखा है उसको बरकरार रखने के लिए तो ये सोचना होगा कि अगर मैं नशा करूँगा या मैं सुट्टा पीऊँगा या शराब पीऊँगा, वो मैं प्लेसमेंट होने के बाद पहली सैलरी आएगी तब उसमें से मैं करूँगा। जब तक मैं ओनर नहीं हूँ मेरे पैसे का, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड इट ऑन लाइबिलिटीज। फिलहाल इतना ही प्लानिंग करोगे तो वो बाद में नहीं। अर्थशास्त्र अनप्लग्ड कहने के बाद, अर्थशास्त्र ये शब्द आया कहाँ से है, आपने कभी सुना है अपने भारतीय इतिहास में ये अर्थशास्त्र का? एनीबडी देयर जिसने ये शब्द सुना है, अर्थशास्त्र जो बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान के इतिहास में है, और द फर्स्ट बुक ऑन इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का पहला किताब, पहला ग्रंथ इस भारत में तैयार हुआ है, किसी को पता है? एनीवे आई अप्रिशिएट योर रॉन्ग आंसर, लेकिन आपने हिम्मत तो की, गलत बताने की भी हिम्मत होती है। सो लेट अस ट्राई इट आउट। पाणिनि एक ग्रामर के लिए है बेटी, आपको आपके मन में जो है ना, उसका नाम है आर्य चाणक्य, विष्णुगुप्त कहते हैं उसका। ही रोट द फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का पहला अर्थशास्त्र 300 इयर्स बिफोर क्राइस्ट भी ये बात चलती रही हमारे यहाँ पे। चंद्रगुप्त के गुरु हैं और चंद्रगुप्त के गुरु ने यह अर्थशास्त्र लिखा है, उसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कूटनीति मीन्स देर इज अ प्लान, इट्स अ प्लान टू डू सर्टन थिंग्स, एंड वो जो प्लान है उसको कूट बोलते हैं, दैट इज घर, जैसे हम पजल बोलते हैं उसमें कूट कहा गया है। सो कूटनीति, नीति मीन्स द वे मोडस ऑपरेंडी ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, एंड दैट इज कूटनीति। ही वॉज एक्सपर्ट इन इट एंड दैट इज वाई ही वॉज इज बुक कॉल्ड कौटिल्य अर्थशास्त्र। अभी मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है, शी इज़ वेरी बिजी विद द मोबाइल राइट नाउ, बट आई विल ट्राई टू गेट हर अटेंशन टूवर्ड्स मी। इफ आई कुडंट डू दैट देन इट इज़ माई फेलियर एज अ ओरेटर, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर, कि ये गड़बड़ हो रही है कहीं पर। सो वॉट आई विल डू आफ्टर आई गो बैक, आई विल डू माई एनालिसिस कि एज अ लेक्चरर ऐसे क्यों हुआ कि दो चार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ध्यान मेरी तरफ क्यों नहीं आया। सो आई विल ट्राई टू एनरिच माई सेल्फ एज अ ओरेटर एंड एज अ लेक्चरर कि यार कुछ तो गड़बड़ है कि ये पर्टिकुलर दो चार स्टूडेंट्स को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाया, या तो वो ज़बरदस्ती लाए गए यहाँ पे, किसी ने कहा तो आओ करके बैठे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, ऐसे भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, मेरा इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंस में, मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, घर में अपने आप जीपे में पैसे आते रहते हैं ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन वो जो फाइनेंस है ना, उसमें रिचनेस नहीं है, इट इज़ नॉट वेल्थ, इट इज जस्ट मनी।
वेल्थ तब तैयार होती है जब पैसे के साथ शांति भी आती है. मनी प्लस पीस इज इक्वल टू वेल्थ. फिटनेस प्लस पीस ऑफ माइंड देन इट बिकम्स हेल्थ. तो अगर वेल्थ बनाना चाहते हो तो मन को शांति भी चाहिए. किसको ज्यादा पैसा मिला? किसी को मिला आज तक? एनीबडी देखा कि बहुत पैसा मिला करके? जिनको मिला वो भाग गए. हाँ, हिंदुस्तान छोड़ के ही भाग गए, गायब. मतलब ज्यादा पैसा मिला उतने भागने लगे वो. तो पैसा वो है चीज जो आपको स्थिर भी बनाएगी या तो आपको भागने के लिए भी मजबूर करेगी. वो पैसे का कलर क्या है उस पर निर्भर करता है. पैसे का अंदर आना किस दरवाजे से आ रहा है उस पर वो निर्भर करेगा. और अभी से तैयारी करो कि जो पैसा आएगा तो बहुत आना चाहिए पैसा. वो तो कमाना ही है किसी भी हालत में. वो किसी भी हालत में क्या क्या हालत है वो देखना पड़ेगा. आर वी मैन्युपुलेटिंग? आर वी डूइंग अ बिजनेस? किस तरह से किया जाएगा? एक हाथ दे एक हाथ ले. तो ये स्किल समझने का ये फोरम है आप लोगों ने जो तैयार किया. जिन्होंने ये शुरू किया उन स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ. जिनके मन में ये इन्फ्लुएंसेस आया, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, क्योंकि दुनिया वही है. महालक्ष्मी पर ही सब बात चलती है, पैसे पर ही सब बात चल रही है. पूरा पॉलिटिक्स पैसे पर चल रहा है. दूसरे देश में जाके पूरा देश का पॉलिटिक्स बर्बाद करने की ताकत भी पैसे के पास है. वो पैसे डालते जा रहा है. अरे इस देश में शांति है, आग लगा दो. इस देश में ऐसे हो रहा है, आग लगा दो, उनको वहां से फुटा दो. ये भी बात पैसे से चल रही है. कहने का मतलब ये है, ये तो सब कुछ है. एक मंदिर था और एक मंदिर के सामने बार, रेस्टोरेंट एंड बार बिल्कुल सामने, वो तो फिर पाते हैं. जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, मंदिर वालों ने कंप्लेंट किया गवर्नमेंट के पास कि ये मंदिर है, प्रार्थना का स्थल है, श्रद्धा की बात है, यहाँ पे यहाँ प्रार्थना की जाती है और बिल्कुल उसके सामने शराब की दुकान कैसे चलेगा. गवर्नमेंट ने कहा मंदिर तैयार होने के पहले ही वो जमीन बार के लिए ही रखी थी, अब हमको डिसीजन चेंज नहीं कर सकते. क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है शराब से ज़्यादा पैसा आता है. आपको मालूम है, जनरल नॉलेज देता हूँ आपको, ये जो हर स्टेट का महसूल कहते हैं उसको, मतलब इनकम ऑफ द स्टेट जो है ना, सबसे ज़्यादा पैसा शराब से आता है. और इसलिए कोरोना के बाद मंदिर पहले नहीं खुला, स्कूल पहले नहीं खुली, पहले खुला वो बार. टाइट. एक बात ध्यान में रखो, अगर शराब ज़्यादा पैसा देती है गवर्नमेंट को तो शराब के बारे में गवर्नमेंट अलग बात करेगी. और जो शराब हमारे युवाओं का नुकसान कर रही है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी. दिल्ली में जो हुआ वो पैसे के बारे में हुआ लेकिन शराब के माध्यम से ही हुआ. तो पैसा इम्पोर्टेंट है, तो कोर्ट में गई केस. अब ये हुआ कि जे इन्होंने प्रार्थना शुरू की मंदिर में कि सामने बार नहीं चाहिए, सामने बार नहीं चाहिए, भगवान को प्रार्थना, हे भगवान ये बार निकाल दो, ये शराब का दुकान निकाल दो, ऐसे बार बार कहा. और मैं आपसे कहता हूँ कि दो दिन पहले वो शराब की दुकान की जो उद्घाटन होने वाला था, बारिश हुई, बहुत सारा तूफान आया और बिजली गिरी उस शराब के दुकान पे और दुकान जलकर पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई. तो शराब का दुकान का जो ओनर था उसने कोर्ट में केस किया. दुकानदार ने कहा कोर्ट से कि मंदिर ने प्रार्थना की इसलिए बिजली गिरी. तो मंदिर टू पे मी, आई हैव स्पेंट 25 लाख रुपीज फॉर दिस, मंदिर ने मुझे पैसे देने हैं. और कोर्ट में केस जाने के बाद जो जज है वो कहता है मेरी जिंदगी की सबसे हसीन केस मेरे सामने आई है. क्योंकि जिस इमारत में कहा जाता है कि श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करोगे तो आपकी बात ऊपर वाला मानता है, श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करो तो आपको वरदान मिलता है, ऐसे जिस इमारत में कहा जाता है उस इमारत का जो एडवोकेट है वो कह रहा है कि ये प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ. और जो शराबी कभी गया ही नहीं मंदिर में वो कहता है प्रार्थना की वजह से ही बिजली गिरी. इसका मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है, डिवोशन का एक्सप्लेनेशन है, वो चेंज हो गया. जब मंदिर को पैसा देने की बात आई तो मंदिर कहता है कि प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन जब प्रार्थना कर रहे थे तो कह रहे थे कि प्रार्थना करो, हमें सामने नहीं चाहिए. अभी भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, सामने गुत्ता है नहीं.
तो ये वाले कहते हैं कि प्रार्थना से नहीं हुआ करके। इसका मतलब पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। देखो आपका जो एक्सप्लेनेशन है डिवोशन का वो भी चेंज हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड कि पैसा क्या चीज़ है और क्यों कंटिन्यूसली चाहिए। बार्टर एक्सचेंज खत्म होने के बाद मोमेंट करेंसी आ गई वहाँ पे पैसा आ गया। पहले बार्टर एक्सचेंज चलता था, आप चावल ले लो मुझे गेहूँ दे दो। पंजाब का आदमी दक्षिण भारत में जाके गेहूँ देता था और दक्षिण भारत का आदमी पंजाब में आके चावल देता था। क्यों होता है, अपना अपना क्रॉप है अपने अपने एरिया का। लेकिन वो बंद हो गया। एसेट पे खर्चा करो, अच्छी दुकान में जाओ, ट्रैवल करो, अपने शरीर को जो सुख मिलने वाला है। लेकिन जिससे शरीर का नुकसान होने वाला है वहाँ पैसा खर्चा मत करो। जुगाड़ नहीं खेलने का, शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी है, उससे नुकसान होने वाला है, उससे फ़ायदा नहीं है। सो दोज एक्सपेंडिचर ऑन लाइबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर ऑन लाइबिलिटीज़। हमें करना है पैसा खर्चा एसेट पे। अच्छा खाऊंगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा गया वांदा नहीं। और ये बात समझने की हाउ यू मैनेज द शो। इसलिए रिचनेस जो है ना, वो रिचनेस इस तरह से व्यक्त होना चाहिए। नो आई वॉज स्टेइंग इन मुंबई एंड आई हैड अ शो इन पुणे। माय सुबह 11 बजे मेरा प्रोग्राम था और मैं दादर स्टेशन शेयर टैक्सी के लिए गया। तब उसका रेट था 400 रुपये पर सीट, मतलब 1600 रुपीज़ टोटल कैब। तो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो पहले से 2 कस्टमर ऑलरेडी थे। द टैक्सी वाला वॉज वेटिंग फॉर 2 मोर कस्टमर्स टू कम टू शेयर अ कैब। तो जैसे मैं पहुँचा बोले 2 है और 1 के लिए रुकना होगा। मेरे पास टाइम नहीं था, 11 बजे का शो है मुझे। तो मैंने कहा मैं देता हूँ दोनों का पैसा। तो 800 रुपये मैंने दे दिया, उनका 400 आया था। ऐसे बैठ के टैक्सी इमीजिएटली निकल पड़ी, आराम से आए 4 सीट पे 3 जन बैठ के। पुणे आने के बाद मेरे दोस्त के घर जैसे मैं गया प्रोग्राम के पहले, तो पिताजी ने पूछा उसके कैसे आया। बोला ऐसे ऐसे आया। तो मैंने 800 रुपये दे दिया। मैं बोला तो उसने कहा फिर तुम्हारा नुकसान हो गया, 400 रुपया मेरा नुकसान हो गया ना, मैं जा एड आई सीट करके। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे अप्रोच सिखाया पैसे का। बोले क्या हो गया। मैंने कहा मेरे कितने बचे गए पैसे, मैंने 800 रुपये मेरे बच गए। तो कहते 800 पैसे बचे कैसे आपके, आपके 400 ज़्यादा गए। बोले नहीं 800 बचे। बोले क्यों। मतलब अगर वो दोनों भी वहाँ नहीं रहते तो मैं पूरी टैक्सी करने वाला था। ये जो हाइपोथेसिस है कि एंटिसिपेशन है कि मैं प्रोग्राम के लिए मुझे 11 बजे पहुँचना है, मुझे टैक्सी करनी है, अगर कोई नहीं रहता तो मैं पूरी की पूरी टैक्सी हायर करता था। इसका मतलब मैं 1600 रुपये देता था, उसके बदले में मैंने 800 ही दे दिए, 800 बच गए। दिस इज शेयर मार्केट। ये जो एंटीसिपेशन में चलता है फाइनेंस, वैसे अभी से शुरू करो। बार बार ये नहीं कहूँगा कि निगेटिव एक्सपेंडिचर करना ही नहीं है। एक्सपेंडिचर पॉजिटिव होगा तो ही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, पहला बैलेंस शब्द क्या है। अगर वो बैलेंस रखोगे तो अगला स्पेलिंग बदलता है। बैलेंस रखोगे तो अगला स्पेलिंग SHEET आता है। अगर बैलेंस नहीं रखोगे तो अगला स्पेलिंग SHIT होता है। समझ गए, बैलेंस शिट, ऐसे करोगे। देयर इज नो फन इन लाइफ। भले आपके घर में समृद्धि हो, वैसे ही बरकरार रहे, उसमें कोई संदेह नहीं है मन में। लेकिन ये जो अनप्लग्ड है ना, अनप्लग्ड में क्या क्या होता है उस पर सब निर्भर करेगा, जहाँ तक पैसे का सवाल है। और इसलिए भारतीय तत्वज्ञान में जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, व्हाट इज पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इज अ कैपेसिटी टू प्रूव योर मेरिट। तुम्हारी जो ताकत है उसको सिद्ध करने की जो वृत्ति है, जो ताकत है, इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे मन में है, शरीर में है, दैट इज कॉल्ड पुरुषार्थ। ये जेंडर बायस शब्द नहीं है, पुरुष और स्त्री करके नहीं देखना है। तो अर्थ जो है, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, किसी को पता है, किसी को पता है 4 पुरुषार्थ कौन से हैं। अरे यार थोड़ा भारत की इस ज्ञान का स्टडी करो। मुझे मालूम है आपके आपके सिलेबस में ये सब नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आया सिंस 1947। बोलो किसी ने हाथ ऊपर किया था, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं। हाँ सिक्वेंस गलत हो गया, सवाल वही है आपको। 90 मार्क्स मिले, 100 नहीं मिलेंगे, सिक्वेंस गलत किया हमने। इट इज धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष विल बी लास्ट। मोक्ष पहले आ गया तो बाकी 2 क्या करेंगे ना। मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति, फाइनल भगवान के पास।
तो शुरू होता है धर्म से। धर्म मतलब अभी जो रिलीजन करके सब पूरी दुनिया में चल रहा है और जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, वो धर्म का मतलब भारतीय तत्वज्ञान में नहीं है। धर्म का मतलब है तुम्हारी एबिलिटी क्या है, वो तुम्हारा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वही कह रहे हैं कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, यू आर आर्चर, धनुर्धर हो, योद्धा हो, तो उससे ऑनेस्टी दिखाओ, बी लॉयल टू योर धर्म। व्हाट इज योर धर्म? दैट यू आर अ योद्धा। ये आज जब रिलीजन सब इस्तेमाल किया जाता है वैसा वह मतलब नहीं। अभी मेरा व्यवसाय है बात करने का। 1995 आई लेफ्ट कैनरा बैंक एंड देन आई बिकेम अ पब्लिक स्पीकर। अभी पूरी इतनी सारी जिंदगी में बात करके ही पैसे कमाता हूँ। तो दैट ओरेटरी इज माय रिलीजन, वो मेरी ताकत है। और वो अमल में लाने के बाद दूसरी स्टेप आती है, दैट इज कॉल्ड अर्थ। पैसा मेरे पास आता है, छोटी छोटी चीज़ों पे मैं सलाह देता हूँ और पैसे कमाता हूँ। तो ये अर्थशास्त्र जो है वो दो नंबर पर पुरुषार्थ, पहला धर्म फिर अर्थ, और फिर आता है काम, दैट इज फैमिली लाइफ, और फैमिली लाइफ के बाद मोक्ष बूढ़े होने के बाद। तो ये जो सबसे अहम बात है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो जो अर्थ है वो जिंदगी में सबसे, अर्थ का मतलब मीनिंग भी है और अर्थ का मतलब पैसा भी है। सो अर्थशास्त्र दैट इज इकोनॉमिक्स, हाउ आई मैनेज द शो, हाउ आई मैनेज माई मनी, इतनी सैलरी आती है मैं कैसे मैनेज करता हूँ, उस पर निर्भर करता है। सो मैनेज करने में प्रायोरिटीज़ क्या है, कैसे प्रायोरिटाइज करूँगा मैं मेरे नीड्स को, ये ग्रीड है कि नीड है, मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए, चलो लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाने से कुछ नहीं होता, शेयर मार्केट में जाओ, शेयर मार्केट में जाने के बाद भी गड़बड़ हो सकती है, सडनली मार्केट डाउन हो गया तो रोने वाले हैं, सुसाइड करने वाले लोग हैं मार्केट डाउन हो गया करके, जो अपने पास था वो भी इन्वेस्ट कर दिया और बाद में गड़बड़ हो गई करके, बैंकों में डालते हैं तो बैंक में भी फ्रॉड होने शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह है चंचल है, और ये चंचल है इसलिए हमें उसको कंट्रोल करना है, फाइनेंस को कंट्रोल करके तभी बात बनेगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान में रखो, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, दे आर अटैकिंग योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। एंड द मोमेंट जिस देश के युवाओं का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हैमर किया जाएगा, उस देश पे राज करना मुमकिन है। अमेरिका में रिसेशन आने के बाद भारत में उतना नहीं हुआ जितना अमेरिका में गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे फैमिली बॉन्ड है, दो भाई है तो बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से, तेरी नौकरी चली गई, मैं हूँ, तू चिंता मत कर। ऐसा फैमिली बॉन्ड यूएस में उपलब्ध नहीं है। वहाँ क्या है, अमाउंट स्पेंट ऑन मी इज माई मनी, अमाउंट सेव्ड बाय मी इज नॉट माई मनी, दैट इज वॉट द अमेरिकन सिस्टम इज, दैट इज वाई दे अर्न फॉर अ वीक एंड दे स्पेंट इट ऑन सैटरडे संडे, वीकेंड के बाद मंडे वापस वीक स्टार्ट, WEA के वीक स्टार्ट, वापस पैसा कमाओ, वापस WEE के वीकेंड, खत्म कर दो सब। ये चलता है, एक एडवांटेज है उसका, बिकॉज द मनी कम्स इन सर्कुलेशन, बट इंडिविजुअली सस्टेनेबिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती। और फिर ऐसे सडनली रिसेशन जब आएगा, मैं बाद में एक ट्रिक दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैंने कार्ड्स लाए हैं, लेकिन आपको हम शूट करेंगे एंड देन यू सर्कुलेट अमंग्स देम, जो ट्रिक है वो कि लॉस इन ट्रांजिट मतलब क्या होता है पैसे में, ये फॉरेन एक्सचेंज में किस तरह से नुकसान किसी को क्यों नहीं होता है, क्या होता है, द लॉस इज इन ट्रांजिट, लाइक अ पासिंग द पार्सल गेम है, वैसे पार्सल कंटिन्यूअस, दैट इज अ लॉस कंटिन्यूअसली इन द एयर, वो लैंड ही नहीं होता है, जिस दिन वो लैंड होगा उस दिन रिसेशन शुरू होता है। और वो क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको थोड़े समय के बाद, लेकिन इंडिविजुअली पहले ये ध्यान में रखो जो मैं बोल रहा हूँ। मैं आज खुश हूँ क्योंकि मैंने प्लान किया था। ये जो प्लान करना है, फिजिबिलिटी स्टडी, अपनी जिंदगी का 3-3 साल का फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करो अभी से। इतनी छोटी मेरी बेटी की उम्र की है, सब लड़कियां यहाँ बैठी हुई है, वो पहले एक काम करो, जिस दिन प्लेसमेंट मिलेगी आपको और पगार शुरू होगा आपका, पहले खुद का फ्लैट ले लो एक, भले घर में घर का फ्लैट 5 BHK रहेगा, फिर भी खुद का इंडिविजुअल फ्लैट ले लो। मेरी सलाह सुनो, जैसे जैसे दुनिया बदलती जाएगी उस दिन हम भरोसा नहीं हमें कब झगड़ा हो जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ में, और हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा होने के बाद अगर वाइफ के पास उसका खुद का घर नहीं है तो हस्बैंड दादागिरी
करते रहेगा, लेकिन अगर मालूम है हस्बैंड को कि मेरी बीबी के पास उसका खुद का फ्लैट है, वो झगड़ा नहीं करता. सी द वुमेन इन इंडिया गेट्स ट्रैप्ड फाइनेंशियली दे गेट. इसलिए मैं सबको, मेरे पास जितने लड़कियां आती हैं उनको सबको सलाह देता हूँ, पहले क्या करोगे, पैसा कमाना शुरू करो, पिताजी के पैसे से जी रहो, उसी में तुम्हारे सैलरी से हफ्ता जाने दो, ईएमआई जाने दो, और पहले घर खरीद लो. जिस इंडिविजुअल ओनर ये करना है, ये नहीं करोगे तो नहीं चलेगा. ये अभी अभी तो कॉलेज का टाइम चलता है, किसा भी खर्चा करो, अरे यार तू दे ये है वो है. आप लोगों में आपस में जहाँ से पैसा आ रहा है उस सोर्स को भी आप कैसे पुकारते हो मुझे मालूम है. ये जो तेरा बाप है ना, ये जो एड्रेस करना है ना, दैट विल स्पॉइल यू. बिकॉज जब तक हम पिताजी नहीं कहेंगे तब तक उनके पैसे की वैल्यू आपके पास नहीं. जब बाप कहोगे तो पैसे की वैल्यू कम हो गई. क्या करो, नहीं बाप को एसएमएस डाल रहा हूँ पैसा भेजो करके, हाँ पिताजी को एसएमएस कर रहा हूँ पैसा भेजो करके. तो रिस्पेक्ट टू द फादर, रिस्पेक्ट टू द मनी, रिस्पेक्ट टू द सोर्स. फादर करके नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ से आ रहा है उस सोर्स को भी रिस्पेक्ट करना है. अगर नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, देन पैसा भी आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि वो आपका नुकसान करेगा. फिर अगर महालक्ष्मी के मंदिर में जाके आप कहोगे कि हे भगवान हे देवी क्या कर दिया, देवी कहेगी तुमने ही किया सब, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने डीवैल्यू किया, तुमने पैसे को जो डिवाइन पावर है उस डिवाइन पावर का रिस्पेक्ट तुमने नहीं रखा, क्योंकि आपने सोर्स जो है उसको नमस्कार नहीं किया. अभी भी ये इतनी गंभीर बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी लास्ट बेंच जो है दे आर हैप्पी विद देयर ओन डिस्कशंस अमंग्स देमसेल्व्स, डजंट मैटर. मैं बाद में सोचूंगा. रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी इज क्रिएटिविटी. क्या समझ रहे हो, वर्ड्सवर्थ क्या कहता है, पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस बट लेटर हाफ ऑफ द सेंटेंस इज रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो मैं ही मेरा लेक्चर जब वापस याद करूंगा तभी मुझे मालूम होगा कि कहीं तो मैं खामियां हैं मेरे लेक्चर में, जो बच्चे लोगों का पूरा ध्यान मेरी तरफ नहीं आ रहा है, उनके ज़िंदगी का अहम टॉपिक में उनके साथ बात कर रहा हूँ. इस क्लब को इतना हल्का मत लेना. ये जो इन्फ्लुएंस क्लब है, आप आए हो, आपका आभारी हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ कि आप इस संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, ताकि इस क्लब के मेंबर करके उपस्थित हुए, लेकिन क्या टॉपिक इंटरेस्टिंग है करके उपस्थित हुए, जो भी होगा वो. लेकिन ये आपको समझना होगा. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ कैनवास टुडे. क्लब विल डू, क्लब विल ब्रिंग नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हियर. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग. फोर्ड जो ओनर था, फोर्ड जिसने वो कार तैयार की, फोर्ड कार तैयार की, वो कथा है. आपको शायद पता होगा कि हवाई जहाज में जा रहे थे और जो पिताजी फोर्ड थे ही वॉज सिटिंग इन इकोनॉमिक क्लास, और जो बच्चा फोर्ड था ही वॉज सिटिंग इन बिजनेस क्लास. तो एयर होस्टेस ने आके पूछा पिताजी से कि आप क्यों बिजनेस क्लास में नहीं गए और आपका बेटा क्यों गया. तो फोर्ड का जवाब है, इट्स अ वेरी वेल नोन इंस्टेंस इन द हिस्ट्री. और फोर्ड ने जवाब दिया, उसका बाप फोर्ड है. क्या जवाब दिया उसने, उसका बाप, मेरा बाप फोर्ड नहीं था. सो गो बैक, गो फॉर अ फाइनेंशियल हिस्ट्री, ढूंढ निकालो अपने पिताजी का काम क्या है, ढूंढ निकालो अपने पिताजी की मेहनत क्या है, उनके पिताजी की मेहनत क्या है, अपने दादाजी ने क्या मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए. तू जा बिंदास, पैसे मैं भरता हूँ. ये जो सहूलत हमें मिली है उसके पीछे उनकी मेहनत क्या है, उसको रिस्पेक्ट देना है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोर्स क्या है, उस सोर्स के पीछे जाओ. फंड फ्लो एनालिसिस कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट करोगे ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में वो चीज़ आई कहाँ से. पहले गंगा घाट पे जाओगे लेकिन गंगोत्री का इंपॉर्टेंस वैसे ही रखना होगा आपको, जहाँ से नदी निर्माण हुई उस जगह का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. अगर वो नहीं होती तो गंगा घाट नहीं होता, वहाँ आरती नहीं हो सकती. क्यों, गंगोत्री नहीं है करके, पैदा ही नहीं हुई. तो पैसे की नदी तैयार हो रही है तो वहाँ जाओ, टॉक टू योर फादर, क्या बात हो रही, कैसे उस समय क्या किया आपने, कैसे हिसाब रखे, कहाँ पैसा खर्चा किया आपके. आप तो सबसे बड़े भाई थे भी, बाकी चाचाओं के लिए भी आपने पैसा लगाया, उनकी दुकानों में भी आपने पैसा लगाया, तो वो पैसा लाया कहाँ से, पैसे से पैसा कैसा तैयार किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी आए हो, धमाल कर रहे हो, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, हिंदी फिल्मों का इन्फ्लुएंस है, नेटफ्लिक्स का इन्फ्लुएंस है, मॉडर्न फैमिली का इन्फ्लुएंस है, नेटफ्लिक्स में जाके OTT. लेकिन वो दिखा रहे हो वर्चुअल सिचुएशंस है, वो फैक्चुअल नहीं है. वो आप जाओगे कि अरे यहाँ वहाँ से चल रहा है तो यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता. ये तो अलग 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 सिचुएशंस है ज़िंदगी के. इसलिए थोड़े आप, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सिंसियर नहीं हो पैसे के बारे में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सिंसियर होना आवश्यक है. अगर नहीं है तो हो जाओ,
थोड़ा बैकअप तैयार करो अपने फाइनेंस के बारे में। आते जाते जिस तरह से खर्चा किया जाता है उस पर ध्यान रखना होगा, निगेटिव एक्सपेंडिचर। और इसलिए हर रोज लिखो, मैं कहता हूँ इन लोग क्लब के लोगों से कहता हूँ अथॉरिटी से कि एक महीना ट्रायल रखो, 30 दिन तक गिव देम असाइनमेंट ऑफ राइटिंग द एक्सपेंसेस। और खुले आम झूठा नहीं लिखने का, सुट्टा तो सुट्टा लिखने का, शराब तो शराब लिखने का, वीड तो वीड लिखने का, गड़बड़ की है तो वो तो आपके दिमाग को भ्रष्ट कर रहे हैं सब। क्या उनको ही स्मार्ट नहीं समझा जाता है तो नुकसान है, अभी नुकसान है, पैसा बाद में लगेगा। पैसा बाद में कैसे लगेगा, तो शादी हो गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गया हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ से सासू माँ बोल रही है हमें पोता चाहिए करके, इसलिए दोनों गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। फिर गायनेकोलॉजिस्ट बोलता है नहीं इनके फिलोपियन ट्यूब्स जो हैं जहाँ से गर्भधारण होती है वो थोड़े श्रिंक हो गए हैं। तो श्रिंक होने के बाद ऐसे क्यों श्रिंक हो गए, कुछ हिस्ट्री है क्या, तो नहीं इस पर डायरेक्ट गायनेकोलॉजिस्ट पूछता है औरत को, आई हैव सीन गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बात करते हो, आप स्मोकिंग करती थी क्या, ऐसा गायनेकोलॉजिस्ट पूछता है। अगर आप स्मोकिंग करती है पैसा कब खर्चा होगा, बाद में खर्चा हो रहा है, मेडिकल पे खर्चा हो रहा है, वो वापस हवा डाल के फिलोपियन ट्यूब को बड़ा करना है, क्यों, गर्भधारण होने के लिए घर में बोल रहा है पोता चाहिए, और जिससे लव मैरिज किया है वो भी बोल रहा है कि नहीं अभी जाएंगे, विल स्टॉप प्लानिंग, खर्चा कब हो रहा है, और निगेटिव एक्शन कब किया, वो किया कॉलेज में, स्मार्ट सुट्टा, आई एम द स्मार्टेस्ट, एक्सपेंस बाद में आ गया। तो एक्सपेंडिचर जो है ना वो ऑन द स्पॉट जैसे होता है ना वैसे बाद में भी आएगा, मतलब अभी जो कर रहे हो उसका एक्सपेंडिचर अभी, उसका लॉस अभी नहीं मालूम होगा दोस्तों, वो बाद में मालूम हो सकता है, तो वहाँ पे जाएगा पैसा, अभी नहीं गया तो वहाँ उस समय चला गया। तो अभी से प्री कंसीव्ड नोशन स्ट्रांग रखो, व्हाट इज मनी, इट्स अ, ये साधन है जीने का, ये साध्य नहीं है, इट्स नॉट अ गोल। मेरी कार अच्छी होनी चाहिए, मुझे पुणे से मुंबई जाना है तो मुझे कार अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कार मेरा घर नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू पुणे, मुंबई पहुंचने के बाद मैं कार में रहने वाला नहीं हूँ, कार साधन है विच विल टेक मी टू द मुंबई, सो मुंबई इज माई डेस्टिनेशन, माई डेस्टिनेशन इज नॉट मनी। जिस दिन आप ये तय करोगे कि बस पैसा कमाने का, दैट कैन नॉट बी द गोल, वो गोल की तरफ जाने का एक रास्ता है, लेकिन ये अभी से करोगे तो बाद बनेगी, बाद में 11th आवर जाके आग लगने के बाद कुआ खोलने जाओगे तो बात नहीं बनती, फिर नुकसान हो जाएगा। और फिर एक बार सी नोबडी आस, जो वरी पैसा तो वरी बैसा, ऐसे मराठी में कहावत है, जब तक पैसा है तब तक बैठो, पैसा नहीं है तो जाने दो। हैव यू सीन स्टेफी ग्राफ प्लेइंग टेनिस मैच, आपके पास आया रील वो, नहीं वो स्टेफी ग्राफ खेल रही थी और वो सर्विस करने गई तो ऑडियंस से किसी ने स्टेफी विल यू मैरी मी ऐसा जोर से पूछा, अरे स्टेफी का पहला सवाल क्या था मालूम है, हाउ मच मनी डू यू हैव, सो क्वेश्चन इज दिस, बात आती है वापस पैसे पे आती है। और इसलिए शास्त्रीय संगीत कोई सीखने वाला है यहाँ पे, म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल सीखने वाले कोई है भगवान की दया से, कोई नहीं, अरे 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 अच्छी अच्छी कलाएं हमारे हिंदुस्तान के वही नहीं सीख रहे हो, और क्या करें यार, मुझे बहुत दुख लगता है। वो भी एक क्लब स्थापन हुआ है अभी, वे एस्टेब्लिशमेंट क्लब है अभी, मेरे पास आए थे बच्चे लोग सब, कथक वाले भरतनाट्यम वाले सब आए थे, फनकार क्लब का, फनकार क्लब गुड इट इज, इनको मालूम होना चाहिए हमारे कि वेरी रिच है, वेरी रिच। सो रिचनेस नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब केवल पैसा नहीं है, कल्चर ही ऑल्सो यू शुड बी रिच। अभी बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन देयर वी सैट डाउन एवरीवेयर, एक ही रिदम है, व्हेन वी रिमेंबर सायाम, इसी रिदम पे नाइट फ्लाइट टू वीनस ये सो। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे नहीं होगा, हिंदुस्तान में जो भक्ति संगीत है एक ताल में जो चलता है वो त्रिताल में नहीं चलता, ये वैरायटी है, वी आर रिच बाय कल्चर, हिंदुस्तान सबसे समृद्ध। अगर कल्चर को फाइनेंस का सिनोनिम करके नाम देंगे तो सबसे बढ़िया और सबसे रिच कंट्री कौन सी है, तो वो हिंदुस्तान है और कोई नहीं है।
अपना भारत देश है, और अपने भारत देश की तारीफ करने के बाद अगर आपके मन में तालियां बजाने की इच्छा नहीं होती तो गड़बड़ है, एजुकेशन में गड़बड़ है। डोंट यू फील? यस, ही इज राइट। डोंट लुक एट हिम विद सरप्राइज। इट्स अ प्राइड टू से व्हेन आई एम सेइंग आई कैन प्रूव इट दैट दिस इज द रिचेस्ट कंट्री एज फार एज द कल्चर इज कंसर्न। आप जो प्रार्थना सुबह 10:45 बजे बजती है, आपको खड़े रहते हैं वहाँ पे, वो प्रार्थना प्रार्थना का मीनिंग तो समझ लो क्या है। नो कल्चर डज दिस। आप शांति, पानी को शांति मिलो, ब्रह्म शांति, ब्रह्म को शांति मिलो, वनस्पति शांति, जंगल को शांति मिलो, आग ना लग जाए वहाँ पे, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है वैसा जंगल फायर ना हो, अमेरिका में होता है वैसा, शांति रेव शांति, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आपनयात्, वसुधैव कुटुम्बकम्, द होल अर्थ इज वन फैमिली। अर्थशास्त्र ही है ये, अर्थशास्त्र है ये, इस देश से तैयार हुआ है, इसलिए उसका अभिमान चाहिए। और कोई भी अगर तारीफ करता है अपने देश की, तो नो भाई, पूरी दुनिया में जाके आप उनके देश की तारीफ करो, वो जो नागरिक है वो जोर से तालियां बजाएंगे, क्योंकि हमारे देश की तारीफ हुई। इसलिए हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम आया है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। ये भी एक फाइनेंस की बात है, इंपॉर्टेंट बात है फाइनेंस की। आप कहोगे फाइनेंस में ये आता है क्या, तो अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब संस्कृति भी उसके साथ में आती है। अर्थशास्त्र मतलब केवल मनी, नोट्स, करेंसी, 2000 नोट, ये क्या वो क्या, नोटबंदी लाई मोदी जी ने, वो नहीं है। ये मेरा आदमी है, ये भी फाइनेंस का एक बात है, अर्थशास्त्र उसी को कहते हैं। आई हैड बीन टू शेक्सपियर्स हाउस, शेक्सपियर्स का हाउस पूरा दिखने के बाद बाहर निकल रहा था, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर खड़ा था वहाँ पे, ही सेड आर यू फ्रॉम इंडिया, आई सेड यस, देयर इज वन हाफ स्टैच्यू ऑफ सम राइटर आई थिंक फ्रॉम इंडिया इन द बैकयार्ड ऑफ द शेक्सपियर्स हाउस, वेरी ह्यूमिलिएटिंग टोन। मुझे तो कांटे आ गए, रोंगटे खड़े हो गए, मुझे हिंदुस्तान के कौन से लेखक का स्टैचू शेक्सपियर के घर के पीछे बैकयार्ड में पड़ा होगा। तो मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद देखा तो दैट वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। धूल जमी हुई थी, मैं रुमाल निकाला, पूरा स्टैचू मैंने साफ किया, साफ करके बाहर आया। मैं बोला उसका आई हैव टू पे हिम बैक नाउ, तेरा ह्यूमिलेटिंग टोन है ना, वो नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने कहा हैव यू सीन दैट स्टैचू, आई सेड यस, हिज नेम इज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज अ मेंटर फॉर होल इंडिया एंड ही इज गुरुदेव, ही इज अ बॉस ऑफ द लिटरेचर, शेक्सपियर इज अ स्टार। ऐसे कहने के बाद यस यस ही इज अ स्टार, ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर बोला। रविंद्रनाथ टैगोर ही इज अ स्काई इन लिटरेचर एंड दैट इज वाई ही इज इन द बैक यार्ड एंड इन दैट स्काई द शेक्सपियर इज ट्विंकलिंग, ए स्टार इज ट्विंकलिंग इन दैट स्टार। फिर उसका मुंह छोटा हो गया, अभी भी बोलने के बावजूद भी, अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ फेलियर ऑफ अवर एजुकेशन। तुम्हारे मन में नेशनल राष्ट्रीय करके जो भावना तैयार होनी है, वो अगर तैयार नहीं होती तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फाइनेंस आल्सो, इट विल बी अ प्रॉब्लम विद द फाइनेंस आल्सो। ये समझने की कोशिश करो, अर्थशास्त्र का मतलब ही वही, अर्थशास्त्र मीन्स मैंने कितने पैसे दिए, कितने पैसे कमाए, कितनी मेहनत की, नो, कितना प्रॉफिट हुआ, वो नहीं है, वो उससे भी आगे जाके अर्थ की बात आती है। फाइनेंस इज वन पार्ट ऑफ इट, जो आपको करना ही है, सवाल ही नहीं उठता है कहाँ खर्चा करते हो, कैसे खर्चा करते हो, इट्स वन पार्ट इट, बट वहाँ बुक कीपिंग खत्म हो गया, बैलेंस शीट खत्म हो गई वहाँ पे। ये हमारे सबसे बड़ी खामी जो है हमारे देश में, वो ये है कि जहाँ तक अर्थ शब्द का सवाल है, हम इस तरह से नहीं देखते उसकी तरफ, बाकी सब दुनिया वैसे देखती है, इसलिए वो बड़ी हो जाती है, इसलिए वो लोग खुश हैं। यूनाइटेड नेशंस के रिसर्च में खुश रहने वाले देशों का जो नंबर्स है, उसमें भारत 135th है, हमारे ऊपर बांग्लादेश है, हमारे ऊपर पाकिस्तान है, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल स्थिरता नहीं है, वो देश जहाँ तक लोगों की खुशी से रहने का सवाल है, वो हमसे ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक दूसरे की तारीफ करने का दिल नहीं तैयार किया। फाइनेंस के लिए होना चाहिए, अरे वो गाड़ी लेके आता है, अरे क्या बाप बिल्डर है यार, अरे अप्रिशिएट करो ना, बाप ने कुछ तो मेहनत की हुई, ईंटें उठाई होगी उसके बाप ने, वो कार ले, वो पटर मोटरसाइकिल करके लेके गया, ऐसे स्टाइल मार रहे यार, मेरा बाप भी बड़ा ऐसा रहता तो मैं भी, ये इस तरह से बातें आपके
छोटेपन का नतीजा है, मन का छोटेपन मत रखो, मन बड़ा करो। एक लड़के की शादी हवाई जहाज में की, एयर इंडिया का पूरा जंबो जेट बुक किया था और उसको घुमाते रहे आसमान में जब तक शादी नहीं होती। उसमें बड़ा डिस्कशन हुआ, इतना बड़ा डिस्कशन हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ये क्या है, इतने गरीब लोग हैं, अस्पताल तैयार करने का, खाना देने का, ये देने का, वो देने का, ये जो टिपिकल स्टाइल रहती है ना, इधर करने का, यहाँ इतना खर्चा, वहाँ क्यों किया, इस तरह से बात करने वाले। तो जिस दिन वो हल्दी समारंभ था, मैं उतरा टैक्सी से, उतरा, एक कंघी निकाली मैंने, मंडप में जाने के पहले जरा ऐसे बाल सवारे, सबसे बूढ़ा दरवाजे पे स्वागत के लिए खड़ा था, यू विल नॉट बिलीव। जैसे मैं गया, उन्होंने इधर आओ संजय, जमाई बापू इधर आओ, मुझे बुलाया। अरे क्या है, अभी क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, बाल सवारे, निकालो बाल। तो ये ऐसा निकाला, फिर मेरे हाथ में, अपने हाथ में लिया, कहा संजय ध्यान में रखो, सेंट्रल रेलवे के सेकंड क्लास के डिब्बे में मैं ये बेचता था, मुझे नहीं कोई पूछेगा कहाँ शादी लगानी है, पैसे मैंने कमाए हैं। ये हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री है। मुझे, मैं पाँव पड़ा, मैं अगर ऊपर का हिस्सा लेके अगर सोचता था कि अरे यार ये इतना पैसा क्यों खर्चे कर रहा हूँ, ही हैज़ राइट बिकॉज ही हैज़ क्रिएटेड दैट मनी, ही हैज़ राइट टू डू दैट। जरूरी नहीं है कि हम जो क्रिएट करते हैं उसको बार बार किसी के पास देना ही चाहिए, वो राष्ट्र की भी संपत्ति है ना, उसके जितने बिजनेस है उसमें तो स्टाफ रह गए ना। अब अंबानी अदानी के नौकरी में, जियो में क्या कितने हजारों फैमिली चलती है उनके ऊपर, नारायण मूर्ति के इंफोसिस में हजारों फैमिली चलती है। अब क्या हम इस तरह से देखेंगे क्या फाइनेंस की तरफ कि नहीं वो तो ऐसा ही है करके? तो फिर बिल्कुल छोटे हो, छोटा नहीं होना है हमें, हमें बदलना है। अब आई हैव सीन यूएस के टूर पे लातूर में जब अर्थक्वेक हुआ, महाराष्ट्र के लातूर में अर्थक्वेक हुआ, तो उसके मनी कलेक्शन के बारे में, चैरिटी कलेक्शन के बारे में वहाँ पे स्टॉल लगे थे, तो मैं आई वाज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द स्टॉल देयर। तो मैप रखा था इंडिया का और उसमें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लातूर का मैप लगा के पैसे, तो अमेरिकन स्टूडेंट्स आए। सी लिसन टू द आंसर गिवन बाय देम, दैट इज व्हाई सम ऑफ द कंट्रीज आर फाइनेंशियली एंड नंबर ऑफ वेज दे आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड, बिकॉज द एजुकेशन वर्क्स लाइक दैट। Here that education is not there, which I am giving you right now. Still, some of you are not ready to accept and listen to it academically. ये जबरदस्ती मामला चल रहा है, हर कोई बात नहीं, चलो शक्कर अगर जबरदस्ती में मुंह में डालोगे तो वो स्वीटी लगती है। जैसे स्टूडेंट्स आए तो मैंने मैप आगे किया, अर्थक्वेक रिलीफ फंड ऐसा लिखा था, तो आए उन्होंने देखा बोर्ड की तरफ, अर्थक्वेक खिसे में जितने भी डॉलर्स थे, यूएस डॉलर्स उनके खिसे में हर एक के सब निकाल के टेबल पे रख दिए। तो आई वाज ईगर टू मेक देम अवेयर दैट वेयर द लातूर इज, तो मैंने पूछा उनसे डू यू नो वेयर द लातूर इज, तो वो चलो इतने हंसे, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो बिल्कुल लिंबू टिंबू हूँ, एजुकेशन में लिंबू टिंबू था मैं। जो लड़के जवाब दिया, अंकल वी नो अर्थक्वेक, नॉट नेसेसरी वेदर लातूर इज, वी नो अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हुआ है कहाँ है इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्थक्वेक को मदद करनी इतना ही हमें मालूम है। ये एजुकेशन का डिफरेंस है। इंग्लैंड में भी ब्रिटिश ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर से पूछा कि हाउ डिड यू रूल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिशर्स, ही सेड नो ब्रिटिशर्स नेवर रूल्ड ओवर द वर्ल्ड, इट वॉज ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज डिड द जॉब। किसने किया काम? ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज ने ही बच्चे ऐसे पैदा किए कि जाओ दुनिया पे राज करो। हमें वो करना है, सिर्फ धमाल नहीं करनी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन इज दिस कि जिंदगी जीते वक्त मेथड, मैडनेस तो रहेगा, जवान है इसलिए, लेकिन मेथड भी चाहिए उसके साथ। मैडनेस विदाउट मेथड इज गॉन, उसमें मजा नहीं है, तो चेंज करने की कोशिश करो। मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, ऑलरेडी वन The way he nodded just now, मैं ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। That is body language. That is body language. Anyway, I'm trying to make a friendship with you. Finance तो है, बहुत सारी finance की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सभी नहीं बताऊँगा, experts भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा आपके साथ दोस्ती बनने का सवाल है, ये forum is a catalyst जो मैं आपके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
आई एम हियर एज अ हैप्पीनेस कोच एंड आई रोम अराउंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्माइल, हंसाता हूँ बहुत सारे और दैट इज़ अ वे वन हैज़ टू लिव. अभी मैं हंसाता हूँ बोला तो मेरी छोटी बहन शर्मा गई वहाँ पे, वो देखो सो गई उधर, वो देखो उसको सरपाई लगा गया, अरे कोई प्रोफेसर आके मैं हंसाता हूँ करके जोकर करके बात करें. क्या हो रहा है मालूम है दोस्तों, हम हिंदुस्तान में ना अपनी स्वाभाविकता को बंद करके जी रहे हैं बिकॉज ऑफ वी हैव प्री कंसीव्ड नोशंस कि इसको स्मार्टनेस कहते हैं, इसको स्मार्टनेस कहते हैं, इसको एनरिच पर्सनालिटी डेवलप कहते हैं, यह हमने तय कर लिया है और फिर हम खुद को ही बंद कर गए. खुले जियो, मस्त जियो, लेकिन वो खुले जीने में भी मज़ा आना चाहिए. एनीवे आई विल डू द ट्रिक हियर अलॉन्ग विद द कॉमेंट्री, समबडी विल होल्ड द माइक. नहीं माइक तो है इधर, कैमरा में आ रहा है ना वो, तो यहाँ एक ट्रिक दिखा दो देन यू डिस्टर्ब इट. मैं वो फॉरेन एक्सचेंज या ये रिसेशन मतलब क्या है वो आपको मैं विद हेल्प ऑफ कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको मज़ा आएगा कि अरे हाँ इसको इसकी वजह से रिसेशन आता है. हम तो बात तो कई सुनते हैं रिसेशन आया, अमेरिका में ये हुआ, इधर ये हुआ, भारत को भारत पे उसका क्या परिणाम होगा, लेकिन वो कैसे होता है उसके बारे में मैं, लेकिन अभी आप एक साथ तो सब देख नहीं सकते आप क्योंकि अभी शूटिंग करके स्क्रीन पर नहीं जाएगा ना. ऊपर जा रहे तो मज़ा आएगा. क्या हो गया, सब दुनिया उल्टी हो चुकी है, इसलिए आप बी केयरफुल. जमाना था जब ब्लैक बोर्ड था वो सफ़ेद हो गया, चौक सफ़ेद था वो काला हो गया, सब उल्टा हो रहा है. कुछ बदलाव आ गया तो फैट बोल रहे हैं, पिताजी को डैड बोल रहे हैं, शोरमा को यम्मी बोल रहे हैं, माँ को मम्मी बोल रहे हैं, कौवे को क्रो बोल रहे हैं, भाई को ब्रो बोल रहे हैं. आई हैव सीन नंबर ऑफ गर्ल्स आते जाते कहें पिताजी को भी ब्रो, फादर को भी ब्रो बोलते हैं. हाय ब्रो, दोस्ती है. शांति को पीस बोल रहे हैं, बहन को सीस बोल रहे हैं, रुमाल को हैंकी बोल रहे हैं, चपाती को फ्रेंकी बोल रहे हैं. दिस इज नॉट प्रोग्रेस माय डियर फ्रेंड. आपको लगता है कि ये प्रोग्रेस है ही नहीं, ये डिसीव होते जा रहे हो. दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन, कैरेक्टर फैब्रिकेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस. तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को निकालना होगा क्योंकि यही एक ही देश है, इसी देश से बात बनेगी और किसी देश से बात बनने वाली नहीं है. तो आप करोगे तभी आपको अभिमान होगा, तभी बात बनेगी. हो रहा है? अरे वेरी गुड. लेकिन यहाँ कैमरा यहाँ उनको देखने के लिए. खैर फाइनेंशियल ट्रिक नंबर फोर कार्ड्स वन इथे घे तू शूटिंग माल नको घेऊ, हाँ माझा नंतर करू आपण. एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, दिखाई दे रहा है ऊपर, हाँ गुड. एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन. अभी कनिष्का इधर आओ, मेरे इन कनिष्का कोई भी आ जाओ. नाउ देर आर 14 कार्ड्स इन ईच रो, 4 3 3 4, सो 4 + 4 = 8 एंड 6 = 14, 4 + 4 = 8, 6 = 14, हियर ऑल्सो 14, हियर ऑल्सो 14 कार्ड्स आर देयर. नाउ आई विल आस्क कनिष्का टू ऐड कार्ड एनी वेयर, यू ऐड वन कार्ड. So she added her card here. No, I will do some adjustment with my finance. Chalo, ek ho gaya. One more. Wherever you want. Yes, great. So I will do some adjustment. Okay, next. One more. We'll put 5 cards. Okay. Last one. Okay, that's great. Okay, now 5 more cards are added. Now the sequence has to be changed. Now let's see how many cards are there in each row. Here I go, 1. Then I go,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Then 8, 9, 10. Then 11, 12, 13, 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 1, 2, 3, 4. 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. After adding 5 cards also, each row has got 14 cards only. This is where the total finance works all over the world. Now, added cards are there, but they are in transit. You do not know where those cards are. They are not in my hands, they are not in my pockets. They are on the table only. But still it is 14, 14, 14. Do you know why? And answer is the common points, common joints. Now, I'll ask her to put one more card in this row. Put. Now, I'll explain the trick. Okay, she added the card here. Now, this row has got 15 cards. Now, there are two joints which are with the another two lines. So if I remove this card from this line and put it here, so actually this line already has got 14 cards only. So I'm putting the same card in the same row, so there 14 remains same. But from this corner I reduce one, so this one has become 14 again. It will go on and go on, go on and go on. Finally, when the corner will get finished, I will not be in a position to take a card from corner. That is the point of recession. यहाँ से अगर गया जो चल रहा है पूरा सेक्शन में एक आदमी इंस्टॉलमेंट हो गया तो एक और अगर इंस्टॉलमेंट हो गया आई कैन नॉट कंटिन्यू द ट्रिक. सो पूरा दुनिया का फाइनेंस ऐसे चलता है. मैं डॉलर बेचता हूँ अगेंस्ट जापनीज येन लेता हूँ, जापनीज येन बेचता हूँ फिर डॉइच मार्क लेता हूँ. एवरी टाइम एवरीबडी इज इन प्रॉफिट. द पर्सन हु इज सेलिंग एंड पर्सन हु इज परचेसिंग बोथ आर इन प्रॉफिट बिकॉज द लॉस इज इन ट्रांजिट. उसको आगे आगे शिफ्ट किया जा रहा है. जिस दिन एक आदमी कहेगा कि नाउ आई कैन नॉट परचेज एनीथिंग, आई एम बिकमिंग डॉर्मेंट एंड इनऑपरेटिव इन दिस टोटल सिक्वेंस, देयर द रिसेशन स्टार्ट्स. तो फाइनेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो कंटिन्यूस जाना है. इस तरह से फाइनेंस चलता है. मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आप लोग फाइनेंस को इतना हल्का मत लेना. और फाइनेंस केवल पैसे से बात नहीं बनती, कल्चरली रिच. और लास्ट पॉइंट ऑफ माई लेक्चर इज टाइम रिच बनो. टाइम वेस्ट मत करो. टाइम वेस्ट करोगे तो मज़ा नहीं. पैसे से भी ज़्यादा कीमती टाइम है. टाइम टेबल करो. टाइम में आई एम है बीच में, टी आई एम ई, और टेबल में लास्ट एबल है. यू आर एबल इन टाइम टेबल. आई एम एबल इन टाइम टेबल. तो समय बर्बाद मत करो ऐसे ही टाइम पास में हाउ करके वहाँ खड़े रहते हो. डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज दैट टाइम. टाइम इज गोल्ड, डोंट फिटर इट अवे. सच कह रहा हूँ. तो मेरे ऐसे जी सकते हो मस्त बिंदास 24 तास. कैसे जी रहा हूँ मैं? मस्त बिंदास 24 तास. क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं किया और पैसा बर्बाद नहीं किया. आप दोनों को विनती है कि टाइम और पैसा दोनों बर्बाद मत करो. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. थैंक यू सो मच.